फ्रेंड पावर प्लांट डिस्कशन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंदन आज आप लोग के लिए फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीमिनरलाइजेशन ऑफ रॉ वाटर बाय आयन एक्सचेंज प्रोसेस। मतलब हम लोग इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि पानी के अंदर का जो मिनरल्स है उसको कैसे रिमूव किया जाता है आयन एक्सचेंज प्रोसेस के द्वारा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं डीएम प्लांट का सीरीज चालू किया हूँ जिसमें मैं तीन पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें पहला पार्ट जो बना था वो हमारा क्लारीफायर का था और सेकेंड पार्ट जो है वो आरओ प्लांट का बनाए हैं। और आज हम इस थर्ड पार्ट में यानी डीएम प्लांट का सबसे लास्ट पार्ट में हम आयन एक्सचेंज प्रोसेस के द्वारा डीमिनरलाइज कैसे करेंगे, कैसे मिनरल को, कैसे इम्प्यूरिटीज को, कैसे आयोनिक इम्प्यूरिटीज को इसके अंदर रिमूव किया जाता है। तो हमारे साथ बने रहिए, इस प्रोसेस को इस फ्लो डायग्राम के द्वारा हम आपको समझाएंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का अपना जो टॉपिक है डीमिनरलाइजेशन ऑफ रॉ वाटर बाय आयन एक्सचेंज प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आयन एक्सचेंज प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक आयन एक्सचेंज रेजिन यूज करते हैं, यानी हमारा जो कैटायन है या एनायन है इसके अंदर हम एक रेजिन यूज करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आयन जो होता है दो टाइप का है, एक कैटायन होता है एक एनायन होता है। तो हम लोग को कैटायन को एक्सचेंज करने के लिए, एनायन को एक्सचेंज करने के लिए दो रेजिन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन और दूसरा होता है एनायन एक्सचेंज रेजिन। जो हमारा ये रेजिन जो इसके अंदर यूज होता है वो पॉलीमर का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो जो हमारा कैटायन एक्सचेंज रेजिन रहता है, कैटायन रेजिन जो है वो हाइड्रोजन को कंटेन करता है, एनायन रेजिन जो है वो हाइड्रोक्साइड को कंटेन करता है। सबसे पहले हम लोग इक्विपमेंट के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है। एक होता है SAC जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन, दूसरा होता है डिगैसर, ये बोलते हैं पूरा प्रोसेस को डिगैसर है। एक पंप है डिगैसर का पानी को पंप करने के लिए दूसरे सेक्शन में यानी SBA के अंदर देने के लिए, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एनायन। उसके बाद यहाँ से जब होके हो जाएगा हमारा MB में, MB के बाद हमारा DMST में जाएगा। तो आज हम जो बात करेंगे SSC लेकर DMST, देखो लोग जान जाते हैं कि आयोनिक इम्प्यूरिटीज होता क्या है। तो आयोनिक मतलब दो टाइप के आयन होता है, कैटायन होता है और एक एनायन होता है। जैसे हम मान लेते हैं कैल्शियम सल्फेट का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो पानी के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है यानी साल्ट्स होते हैं। तो कैल्शियम में देखिए एक पॉजिटिव हो गया, एक सल्फेट क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो हमारा ये जो कैल्शियम है वो कैटायन इम्प्यूरिटीज कहलाएगा और जो सल्फेट जो है वो एनायन इम्प्यूरिटीज कहलाएगा। तो इन दोनों को अलग अलग जगह पे हम लोग ये दोनों इम्प्यूरिटीज को अलग अलग जगह पे रिमूव करते हैं। उसके लिए हम लोग SSC यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन, जहाँ पे हम पॉजिटिव आयन को रिमूव करते हैं, और एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस एनायन जहाँ पे कि हम लोग ये सल्फेट यानी नेगेटिव आयन्स को ट्रैप किया जाता है। तो इसको ट्रैप करने के लिए हम देखिए सबसे पहले हम आपको SSC डिगैसर SBA MB और DMST ये इतना सारा इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो हम SSC के अंदर अब पहले बात करते हैं कि SSC होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, अगर हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि यह जो पानी है हमारा आरओ प्लांट से आ रहा है। अगर हमारा डीएम प्लांट जो है आरओ प्लस डीएम है तो आरओ से आएगा, अगर मान लीजिए जहाँ पे केवल डीएम प्लांट है तो यह MGF से आएगा। तो हमारा MGF से जो पानी आएगा वो पूरा हार्ड वाटर आएगा, हार्ड मतलब कि साल्ट इम्प्यूरिटीज उसमें पूरा प्रेजेंट रहेगा। तो साल्ट में क्या क्या चीज़ होता है, जैसे सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, सिलिकेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, ये कैल्शियम मैग्नीशियम और सोडियम के साथ ये अगर तीनों चारों प्रेजेंट रहेंगे वो हमारा साल्ट कहलाता है। तो जब यह हमारा हाई इम्प्योरिटीज साल्ट जब हमारा SSC के अंदर आएगा, तो सबसे पहले SSC की बात कर लेते हैं क्या। तो हमारा जो SSC होता है यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन, हमारा यह क्या होता है एक क्लोज वेसल होता है जिसके अंदर रेजिन होते हैं। रेजिन का पर्पस क्या होता है कि जो हमारा पानी आएगा हार्ड वाटर जो आएगा उसका इम्प्यूरिटीज को ट्रैप करेगा। तो कौन सा इम्प्यूरिटीज ट्रैप करेगा, तो हमारा जो कैटायनिक इम्प्यूरिटीज है यानी पॉजिटिव इम्प्यूरिटीज जो है पानी के अंदर उसको ट्रैप कर लेगा। तो देखिए अगर हमारा पानी है
हमारा एमजीएफ से पानी या आरओ से पानी हमारा एसएससी के अंदर आया, तो एसएससी के अंदर क्या हुआ, अगर मान लीजिए कैल्शियम और सल्फेट इम्प्योरिटीज है तो कैल्शियम क्या हो गया, पॉजिटिव आयन हो गया। वैसे ही अगर मैग्नीशियम सल्फेट होगा तो मैग्नीशियम क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, और सल्फेट क्या होगा, नेगेटिव हो गया। तो हमारा इसका प्रॉपर्टी होता है कि हमारा जो एसिडिक नेचर का हमारा रेजिन रहता है, रेजिन हमारा ये एसिडिक आर नेगेटिव दिखाए हैं, तो इसके साथ हमारा हाइड्रोजन कंटेंट रहता है। तो क्या होगा, देख लीजिए, हमारा जब इस रेजिन से पानी पास होगा तो जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं पानी के अंदर, जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं, वो सब क्या होगा, इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। तो ट्रैप कैसे होगा, वो यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा मैग्नीशियम और सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट इम्प्योरिटीज हमारा ये रेजिन से क्रॉस होके निकल रहा है, तो क्या होगा, रेजिन हमारा क्या रखेगा, हमारा नेगेटिव आर नेगेटिव एच प्लस हमारा इसके अंदर रेजिन का रहेगा। तो हमारा यह रेजिन क्या करेगा, देखिए, प्लस से नेगेटिव रिएक्ट करेगा और इससे ये रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करके क्या बना दिएगा, एम जी प्लस आर नेगेटिव, अब प्लस हमारा ये क्या बन जाएगा, H2SO4, यानी हमारा ये क्या हो गया, ये जो हो गया ये रेजिन के अंदर ट्रैप हो गया, यानी मैग्नीशियम क्या हो गया, यहाँ पे ट्रैप हो गया, वैसे ही कैल्शियम ट्रैप हो जाता है, वैसे ही सल्फेट सोडियम जो है वो ट्रैप हो जाता है। बाकी जो हमारा निकलने वाला पानी होता है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है। यह क्या है, H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, यानी हमारा सल्फेट क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया एसिडिक नेचर में। वैसे ही हमारा जो कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, कैल्शियम पे प्लस होता है, क्लोराइड पे नेगेटिव होता है, तो कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम इससे रिएक्ट करेगा और ये नेगेटिव से पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, तो यह क्या हो जाएगा, HCl बना देगा, ठीक है। वैसे ही हमारा अगर कार्बोनेट रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा और इससे रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, Ca+R- हमारा HCO3 यानी H2CO3 बना देगा। अब देखिए, वैसे ही हमारा यह सिलिकेट जो है इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, Ca+R- ये क्या बना देगा, H2SiO3। मतलब हमारा ये जो है, हमारा ये एसिडिक नेचर का पानी हमारा इधर से पास हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे पानी जो एसीसी से निकला वो कौन सा हो जाएगा, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, बाइकार्बोनेट्स निकलेगा, और हमारा नाइट्रिक एसिड, ये सिलिकिक एसिड, ये सब हमारा पानी कहाँ से, यहाँ से निकलेगा। तो मान लीजिए हमारा ये पानी हमारा दूसरा सेक्शन में आया, जो जिसको बोलते हैं डिगेसर। डिगेसर क्या होता है, एक ऐसा इक्विपमेंट होता है। सबसे पहले तो डिगेसर के कंपोनेंट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, हमारा यह जो है डिगेसर का टैंक है। टैंक का पर्पस क्या होता है कि जो हमारा वाटर के अंदर का इम्प्यूरिटीज रिमूव हो जाएगा तो उसको हम यहाँ पे स्टॉक करेंगे। और इसके ऊपर देखिए हमारा एक टावर लगा हुआ है जिसको बोलते हैं डिगेसर टावर। इस टावर का फंक्शन क्या होता है कि हमारा पानी जो है, यानी एसिडिक वाटर, इसका पीएच जो होता है नियरली 3 to 3.5 होता है, इसका पीएच जो होता है इतना होता है। ये हाई एसिडिक वाटर जब हमारा ऊपर से स्प्रे करते हैं, ऊपर से स्प्रे इसलिए करते हैं कि हमारा सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया को बढ़ाने के लिए, जिसके अंदर जो हमारा डिजॉल्व गैसेस है उसको कैसे हम यहाँ से ब्लोअर देते हैं, पार्शियल प्रेशर, लो प्रेशर से हम लोग एयर को ब्लोअर नीचे से देते हैं, नीचे से हमारा इधर से एयर जाएगा, ठीक है, और ऊपर से हमारा आएगा जो हमारा जो एसिडिक वाटर है वो ऊपर से स्प्रे होगा, ठीक है, यानी इधर से हमारा पानी आ रहा है और इधर से हमारा एयर जा रहा है। तो क्या होगा, जो इसके अंदर हमारा ये कार्बोनेट
जो कार्बोनिक एसिड है यह क्या होता है, वीक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। यह क्या करता है, जो हमारा एयर का जो पार्शियल प्रेशर होता है उसी के चलते वो ब्रेक हो जाता है। तो क्या हुआ, हमारा H2CO3 जो है यह जब नीचे से ब्लोअर देंगे तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O + CO3, यानी हमारा जो कार्बोनिक एसिड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होके हमारा यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं। तो यह क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड बना के उड़ जाएगा और हमारा प्योर वाटर जो है हमारा इस डिगेस्ट टैंक में आके स्टॉक हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ये डिगेसर लगाने से क्या फ़ायदा हुआ कि जो हमारा कार्बोनिक एसिड जो है यानी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो भी फॉर्म हुआ है वो हमारा यहाँ पे इसके अंदर रिलीज हो गया, मतलब SBA के अंदर जाने से पहले ही हम लोग यहाँ पे रिलीज कर दिए। और क्या हुआ कि हमारा जितने भी डिजॉल्व गैस हैं वो बहुत मैक्सिमम परसेंटेज में हमारा यहाँ से रिमूव हो जाता है। और रिमूव होने के बाद एक एयर वेंट ऊपर में प्रोविज़न दिया रहता है जहाँ से हमको वेंट आउट हो जाता है, यानी CO2 हमारा यहाँ से वेंट आउट हो गया और भी डिजॉल्व गैस हमारा रिमूव हो गया। तो हमारे अंदर इस डिगेस्ट टैंक के अंदर जो पानी बचा वो कौन सा एसिडिक फॉर्म में बचा, तो देखिए पहले तो H2SO3 हो गया, फिर H2SiO3 हो गया, अब नाइट्रेट भी हो सकता है, H2NO3 नाइट्रेट हो गया, और कार्बोनेट जितने भी थे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट वो क्या होगा, रिमूव हो गया यहीं पे। तो हमारा अब यह जो होता है एसिडिक वाटर हमारा एक पंप के द्वारा, देखिए एक मैंने पंप का प्रोविज़न लगाया है, पंप के द्वारा हम फिर से भेजते हैं नेक्स्ट स्टेप में जिसको बोलते हैं SBA। SBA भी क्या होता है, जैसे SSE है वैसे ही SBA भी एक प्रेशर वेसल है जिसके अंदर हमारा रेजिन भरा हुआ है। जैसे इसमें निगेटिव रेजिन था वैसे ही यहाँ पे बेस, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस एनायन लिखे हैं, यहाँ पे बेस यानी R हमारा जो होगा पॉजिटिव होगा और जो यह रेजिन जो है वो हमारा हाइड्रा ऑक्साइड को कंटेन करेगा, तो हाइड्रा ऑक्साइड निगेटिव रहता है और रेजिन हमारा पॉजिटिव रहता है। तो इसका पॉजिटिव इसलिए लिए क्योंकि हमारा यहाँ की जो है हमारा ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स है, नेगेटिव जो है इसको रिमूव करना है, हमारा जो नेगेटिव आयन है यहाँ पे, तो पॉजिटिव आयन पूरा ट्रैप हो गया, अब हमको क्या ट्रैप करना है, नेगेटिव आयन, तभी हमारा H2O मिलेगा प्रॉपर। तो हमारा पॉजिटिव आयन रिमूव करने के लिए हमको जो रेजिन को जो यहाँ पे चार्ज करते हैं वो कॉस्टिक सोडा से चार्ज करते हैं, जिसके चलते हमारा ये प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाता है। तो देखिए अब हमारा रेजिन जो है R+OH निगेटिव है, अब हमारा पानी अगर मान लीजिए H2SO4, हमारा जो ये वाला H2SO4 पानी जो हमारा इधर आया ठीक है, और वो हमारा इस रेजिन के साथ इस बेड के अंदर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा वो चीज़ देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग देख लेते हैं। देखिए कभी भी आयन से आयन एक्सचेंज होगा, तो ये पॉजिटिव है तो किससे करेगा, इससे करेगा ठीक है, और यह जो है इससे करेगा, तो यहाँ पे क्या बना देगा, R+SO4 निगेटिव, और यह क्या बनाएगा H2O, यानी प्योर वाटर हमको क्या हो गया, यहाँ से जो निकलेगा वो H2O निकलेगा। वैसे ही इसको देख लेते हैं, ये सल्फेट हो गया, वैसे ही सिलिकेट जो हो गया, ये देखिए H+ है तो हमारा किससे करेगा, निगेटिव से करेगा, और यह जो है इससे रिएक्ट करेगा, तो हमारा क्या होगा R+, ये क्या हो जाएगा सिलिकेट के साथ रिएक्ट करके हमारा क्या बनाएगा H2O बनाया। अब HCl भी क्या करेगा, HCl पानी के अंदर रहता है तो वो क्या करेगा, ये क्या होगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, तो हमारा R+ और ये Cl- H2O हमारा यहाँ से क्या हो गया, पूरा प्योर वाटर हम लोग को मिल जाएगा। तो देखिए उसके बाद क्या होता है कि जब हमारा ये कैल्शियम मैग्नीशियम या हमारा जो
ये जो सल्फेट हो गया या सिलिकेट हो गया या क्लोराइड, यहाँ पे जो ट्रैप होने वाला है वो SO4 यानी सल्फेट हो गया, आपका सिलिकेट हो गया, आपका क्लोराइड हो गया, ये हमारा यहाँ के अंदर SBA के अंदर ट्रैप होता है। यहाँ पे पॉजिटिव ट्रैप हो गया, यहाँ पे नेगेटिव ट्रैप हो गया। तो देखिए जो हमारा इसके अंदर रेजिन जो है वो ट्रैप होते होते क्या होता है, वो एक इतना एक लिमिट अमाउंट में ही वो पानी को पास होने देता है। जब पास लिमिट अमाउंट से क्रॉस कर जाता है तो हमारा ये रेजिन जो होता है एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट होने का मतलब कि वो अब कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा कि हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को, यहाँ पे पॉजिटिव आयन को वो बॉन्ड बना सके। तो उस सब कंडीशन में क्या होता है, जब एग्जॉस्ट हो जाता है तो हमारा डायरेक्ट पॉजिटिव आयन हमारा इधर से पास आउट होते चला जाता है। तो उसके लिए जब रेजिन जो है एग्जॉस्ट हो जाता है तो उस रेजिन को फिर से रीजेनरेट करना पड़ता है। तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन जो कैटायन रहता है उसको हम लोग HCl और सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, मतलब रीजेनरेट करते हैं। इसके अंदर HCl और या सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग जब डोज करते हैं तो यह क्या होता है, फिर से अपना ये इस फॉर्म में आ जाता है। जैसा कि हम आप यहीं पे देख लीजिए, हमारा क्या हो गया, हमारा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड है या HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, यही हम दो केमिकल इसमें अंदर डोज करते हैं। तो यह क्या होता है, कैसे प्रॉपर्टी होता है, देखिए CA हमारा ये जो ट्रैप रहता है हमारा HCl है, जब ये ट्रैप रहेगा तो ये जस्ट ये बना देगा CaCl2 और R नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो हमारा ये HCl चार्ज करने से हमारा ये जो है बेड का प्रॉपर्टी फिर से आ जाता है, और हमारा जो ये बचा वो रिमेनिंग को हम लोग पानी को जब बैकवॉश जब सफाई करते हैं पानी, तो ये इम्प्योरिटीज फॉर्म में बाहर एग्जिट हो जाता है। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है, जब हमारा जो पानी के अंदर हमारा सल्फ्यूरिक जो सल्फेट है या जो हमारा क्लोराइड है वो जब रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। तो यह जो होता है बहुत ही, यह इसके अंदर ऑलरेडी बना रहता है HCl और सल्फेट, तो यह क्या करता है रेजिन को फिर से इस फॉर्म में लाते रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा कंटिन्यू रीजनरेशन भी इस केमिकल के द्वारा होते रहता है। जब हमारा पानी इसके अंदर हार्ड वाटर इसके अंदर पास होगा तो हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड और HCl है, क्योंकि इसी केमिकल से हम लोग इसको रीजनरेट करते हैं, जिसके चलते हमारा ऑलरेडी यह प्रोसेस क्या होता है, इनबिल्ट होते रहता है और हमारा रीजनरेट होते रहता है। अगर हमारा ये चीज़ फॉर्म नहीं होता तो हमारा SSC जो है बहुत जल्दी ही एग्जस्ट हो जाता। तो हमारा सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हमारा जो यह एसिड जो है इसी के द्वारा हम लोग इसको चार्ज करते हैं, तो यह क्या होता है हमेशा रीजेनरेट करते रहता है और रेजिन को जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होने देता है। लेकिन एक ऐसा लिमिट आता है जहां पे ये काम करना बंद कर देता है और ये जो आयंस जो हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाता है, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम इतना ट्रैप हो जाता है कि इसको फिर से बैकवॉश दे के फिर से रीजेनरेट करना पड़ता है। वैसे ही हमारा जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एग्जस्ट हो जाता है, वैसे ही SBA हमारा एग्जस्ट हो जाता है। तो इसका जो है SBA के अंदर हम लोग रीजेनरेट करने के लिए जैसे इसमें HCl डोज करते थे या सल्फ्यूरिक एसिड डोज करते थे, वैसे ही इसमें क्या डोज करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं, देखिए हमारा जो इसके अंदर ट्रैप जो हुआ है वो मान लीजिए हमारा ये ट्रैप है, यानी रेजिन के अंदर हमारा क्या ट्रैप है, ये रेजिन ट्रैप है, हमारा प्योर वाटर मिल रहा है। तो इसका रीजनरेशन कैसे करते हैं, तो देखिए R+SO4 निगेटिव है, ठीक है, हम इसको किससे करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम क्या हो गया पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड क्या हो गया नेगेटिव। तो अब आप देखिए किसके किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो हमेशा पॉजिटिव क्या है नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और यह क्या करेगा इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो हमारा क्या बनाएगा, R+OH नेगेटिव, और हमारा ये क्या बना दिया, सोडियम Na+ हमारा सल्फेट, ये हमारा ऐसा बना देगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बेड है, बेड क्या हो गया, ये हमारा फिर से रीजेनरेट हो गया, और यह जो है R+ हमारा जितने भी निगेटिव पार्टिकल है निगेटिव आयन है उसको फिर से रिएक्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो हमारा ये प्रोसेस जो होता है इसको रीजेनरेट करने के लिए होता है।
तो उसके बाद हमारा पानी क्या हो गया, देखिए हमारा यहाँ पे प्योर वाटर हमारा निकल गया, प्योर वाटर मिल गया। उसके बाद हम पानी को कहाँ भेजते हैं, नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं MB, यानी मिक्स बेड। यह नाम से ही पता चलता है, मिक्स बेड, यानी इसके अंदर हमारा SAC और SBA दोनों का प्रॉपर्टी होता है, यानी SBA और SAC, यानी आधा बेड में हमारा जो रहता है बेसिक बेड रहता है और एनायन रहता है, एनायन कैटायन दोनों बेड रहता है, वो पूरा मिक्सअप रहता है। तो इसमें क्या, इसको क्यों दिया जाता है कि जो भी हमारा अगर पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन हमारा स्लिप करके, स्लिपेज होके पास आउट हो रहा है, तो हमको बॉयलर में बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। तो वो सब चीज़ क्या होता है, हमारा यहाँ के अंदर इसी सब केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये सब चीज़ रेजिन रहता है जो यहाँ पे ट्रैप कर लेता है, और यहाँ से जब ट्रैप हो जाता है तो प्योर वाटर हमारा DMST में हमारा स्टॉक करते हैं, यहाँ पे हमारा प्योर वाटर आ जाता है। अब इस वाटर को हम लोग को जहाँ पे भी देना है वो DMST हमारा में चला जाता है। तो आज हमने देखा कि हमारा कैसे SAC के अंदर हमारा पॉजिटिव आयन ट्रैप होता है, डिगेसर के अंदर कैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी वीक कार्बोनिक एसिड कैसे ब्रेक होता है और H2O CO2 बनाता है, CO2 रिलीज कर देता है और गैस रिमूव होके हमारा यहाँ पे कैसे हमारा ये यूजफुल होता है। उसके बाद SBA के अंदर हमारा निगेटिव पार्ट आयन जो है वो रिमूव हो जाते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, और MB के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो स्लिपेज बचा रहता है उसको ट्रैप कर लिया जाता है, उसके बाद हम लोग इसको एग्जस्ट कर देते हैं। तो आई थिंक ये जो प्रोसेस है मैं पूरा आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।